तो मैं बोल रही थी कि कोई बड़े चैनल को आप जब देखते हो कि उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है तो बहुत जल्दी आप देखकर सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन कोई छोटा चैनल हो जैसे मेरा चैनल हो, वो सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर ही आपको बोल सकता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो जो शुरू के जो 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं ना किसी भी चैनल के, वो एकदम जेन्युइन होते हैं, जो आपका कंटेंट ही देखकर आए हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देखकर नहीं, और आप लोग उनमें से हो। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, या फिर जब मैं ये लाइव स्ट्रीम को अपलोड करूंगी, जब ये वीडियो आएगा तब आप लोग जब देखेंगे, तो मैं आप सब लोग को अभी से ही थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ने के लिए, और इसी तरह से प्यार देते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके, मोहम्मद रफी का क्वेश्चन है, आई ट्राई टू डू मेनी स्ट्रीट फूड ब्लॉग्स अराउंड पुणे एंड मुंबई। हाँ, एक्चुअली मैं स्ट्रीट फूड जो है कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन बीच में ये लॉकडाउन जब शुरू हो गया तो जिस वजह से आधी चीज़ें खुली रहती थी आधी चीज़ें बंद रहती थी, तो हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं फिर से सोच रही हूँ स्ट्रीट फूड वापस शुरू करना, मतलब जाना शुरू करूँ। तो आपके पास अगर कोई ऐसे कुछ सजेशन हो कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए मुंबई में, फिलहाल तो मैं मुंबई ही कर सकती हूँ, तो मुंबई में कोई जगह आपको लगती है कि मुझे जाना चाहिए तो प्लीज सजेस्ट करो, कोई तो आपके आसपास भी कोई जगह हो तो लाइक लव टू डू दैट। यस और कोई सवाल? और प्रफुल ने पूछा था, बोला था लव योर ट्रैवल ब्लॉग्स। थैंक यू प्रफुल, आई एम ग्लैड तुमको पसंद आता है मेरा ट्रैवल ब्लॉग। और अगर इन ट्रैवल ब्लॉग्स में भी बताओ कैसे मैं करूँ, मैं जो सोलो ब्लॉगिंग करती हूँ वो अच्छा लगता है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं किसी और के साथ में कोलैब करूँ ना, किसी और यूट्यूबर के साथ में मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी बताओ। फ्रेंड्स के साथ में बनाऊँ या नहीं, या फिर अकेले करती हूँ वही अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है वो बता। धवल पूछ रहे हैं कि इज दिस योर फर्स्ट टाइम सच लाइव सेशन एंड एनी रीजन फॉर चूजिंग यूट्यूब लाइव। हाँ, यूट्यूब लाइव ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब का ना एक क्राइटेरिया होता है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तभी आप यूट्यूब लाइव कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि इस तरह से लाइव सेशंस करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि क्योंकि आप अपने सब्सक्राइबर्स को पर्सनल लेवल पर आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो। तो इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब पे सिंस मेरा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से ही करना चाहिए पहले। इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर भी करूँगी, शायद कल परसों शायद इंस्टाग्राम पर भी लाइव जाऊँगी। और कुछ जैसे धवल, हमारी बातें कभी होती हैं फेसबुक पे, मैं भूल गई तुम करते क्या हो, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। तुम मुलुंड से ही हो राइट, मुलुंड या थाने से? ओके, प्रफुल का सवाल है, वेयर आर यू हेडेड टू नेक्स्ट, ट्राई एंड ट्रैवल आउटसाइड योर स्टेट मोर? हाँ, वो कोशिश तो वही, अभी तो एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से, मतलब लॉकडाउन के ऊपर ही मैं थोप रही हूँ, बट रीज़न वही था कि इंटर स्टेट जो भी ट्रैवल जो था वो नहीं कर पा रही थी, बट अभी थोड़ा हो गया है, मतलब आप रिस्ट्रिक्शंस जो है थोड़े से कम हो गए हैं, तो अभी प्लान कर सकते हैं दूसरे स्टेट का। मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो फिलहाल मैं पुणे से ही करूँगी, आई नो वो इंटर स्टेट नहीं होता, बट पुणे मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। पुणे जो फूड है, स्ट्रीट फूड है, वो मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं देखती हूँ बाकी यूट्यूबर्स के वीडियोस, और पुणे का खाना मुझे बहुत, मतलब देख के मुँह से पानी आता है, तो मैं सोच रही हूँ पुणे जाऊँ। और अभी फिलहाल कुछ ट्रैवलिंग का इतना नहीं हो रहा है, वैसे मेरा जो अलीबाग सीरीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मतलब
तीन पार्ट में मैंने बनाया है उसे, और मैंने कोशिश की है कि अलीबाग के जितने भी जगह हैं, जो भी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ का जो खाना है वो सब मैंने शूट किया है, और अलीबाग सीरीज जो है वो बहुत जल्दी लाइव होगा। ट्राई समथिंग, हाँ मोहन कृष्णन का क्वेश्चन है, ट्राई समथिंग इन साउथ इंडियन फूड। मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, आई एम अ साउथ इंडियन, तो मुझे साउथ इंडियन खाने से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे एक्चुअली चाहती थी कि मैं साउथ इंडियन खाना अगर प्रेजेंट कर रही हूँ अपने वीडियो में, तो किसी ऑथेंटिक जगह से मैं करूँ बस, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आएगा अगर वो चीज़ उतना ऑथेंटिक ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैं अपना घर का खाना तो नहीं दिखा सकती, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जगह, कोई होटल है जहाँ पे बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है, तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ज़रूर जाऊँगी और उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। धवल, व्हाई डिड यू स्टार्ट विद दिस ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स? ऑलवेज डिड यू इंटेंड इन डूइंग दिस? व्हाट वाज दिस ऑलवेज, वाज दिस ऑलवेज यू वांटेड टू डू? एक्चुअली ऐसा है कि ट्रैवल करना और खाना, ये दो चीज़ें मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। मैं आई एम अ बिग टाइम फूडी, मतलब मुझे घर का खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे हमेशा बाहर का खाना ही अच्छा लगता था, और घूमना तो पसंद ही है सबको, तो मुझे भी बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ YouTube पर मैं कुछ कंटेंट बनाना चाहती हूँ, तो अपने इंटरेस्ट को देखकर ही बनाऊँ, जो चीज़ मुझे पसंद है, जो मुझे बहुत, जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, उसके बारे में ही वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने ट्रैवल और फूड, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उस पर ये चैनल शुरू करने का सोचा। और हाँ, हमेशा से ये जो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो हमेशा से था, बचपन से ही मैं एक्टिंग करना चाहती थी। तो यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, कि उसको मतलब अगर आपके पास टैलेंट है तो यूट्यूब बोलता है कि तुम दिखाओ, तुम सोचो मत कि कौन, मतलब किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस एक फ़ोन की ज़रूरत है और शूट करो। तो मुझे तो ऐसा लगता है आप, हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो हम सबको एक्चुअली यूट्यूब पर शुरू करना चाहिए, चैनल शुरू करना चाहिए, जो भी टैलेंट हो। तो मुझे यही लगा कि मैं अच्छा बोलती हूँ, तो शायद इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें मुझे करनी चाहिए। तो हमेशा से हाँ, एक ये छुपा हुआ, छुपी हुई ख्वाहिश थी जो यूट्यूब की वजह से मैं पूरी कर पाई। आई एम मेकिंग सेंस? बस बोले जा रही हूँ। आर यू फ्रॉम तमिलनाडु सिंस यू सेट साउथ इंडियन? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम अ मैंगलोरियन। मैं एक्चुअली कर्नाटक और केरला के बॉर्डर से हूँ, तो मैंगलोरियन बोल सकते हैं। और तुम कहाँ से हो मोहम्मद रफी? मोहम्मद रफी, मुझे अभी क्लिक हुआ, मोहम्मद रफी। ग्रेट। या तमिलनाडु मन तो है चेन्नई आने का, चेन्नई में साउथ इंडियन खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, मैंने सुना है। देखते कभी चेन्नई आना हुआ तो हिंट। मैसेज आने में है, टाइम लग रहा है क्या? मैंने कब ये सवाल पूछा था धवल से? डू यू मैनेज शूट्स एंड एडिटिंग योर सेल्फ? हाँ, शूट एक्चुअली
सोलो शूट्स मैंने बहुत कम किया है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले जा रही हूँ, बट ऐसे जो ट्रैवल जो भी ब्लॉग्स होते हैं मेरे, उसके लिए मैं किसी ना किसी फ्रेंड को साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि वो सेफ नहीं, मतलब सेफ होता है इतने दूर ट्रैवल करने के लिए। और एडिट जो है मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरा मीडिया बैकग्राउंड है। मैं एक टेलीविजन चैनल पे काम करती थी काफ़ी सालों तक। मैं वहाँ पे राइटर थी, प्रोड्यूसर थी, तो मेरा काम ही था कि एडिटर के साथ में बैठ के शो एडिट करना, तो इसलिए मुझे एडिटिंग का नॉलेज है। तो थोड़ा बहुत है, एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा है। तो अपने वीडियोस मैं खुद ही एडिट करती हूँ, और हाँ खुद ही करती हूँ। डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई नो वणक्कम मीन्स वेलकम। ग्रेट। चेन्नई में कहाँ पे, मतलब कहाँ पे, कहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है? मतलब कोई कोई जगह हो, किसी रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा लगता हो क्या वहाँ पे? मुझे नहीं पता चेन्नई स्ट्रीट फूड कैसा होता है, क्या वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे डोसा काउंटर होता है वैसे ही होता है, या फिर उनका कुछ ऑथेंटिक खाना है जो सिर्फ चेन्नई में ही मिलता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे कोई ज्यादा तमिलियन फ्रेंड्स नहीं है। हाउ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट डू यू फाइंड द अर्लियर वर्क एज यू मेंशन्ड यू हैव फ्रॉम मीडिया एज कम्पेयर टू वॉट यू डू नाउ? ऑफकोर्स डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि मैं एक बॉलीवुड चैनल के लिए काम करती थी, तो कंटेंट ऑब्वियसली एकदम ही अलग है। बट देखो, क्रिएटिव अगर आप थोड़े बहुत हो ना, तो आपको वो चीज़ें आप फिगर आउट कर लोगे, इतना कुछ डिफरेंट लगता नहीं है। और डिफरेंट और डिफिकल्ट एक्चुअली ये जो काम जो मैं अभी कर रही हूँ यूट्यूब का, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी कोई बॉस नहीं है, खुद का काम करना है, कोई मतलब डेडलाइन नहीं है, किसी मतलब बॉस की डांट नहीं सुननी अगर काम नहीं किया तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ड्रॉबैक यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेटेड हो जाते हो, आप बहुत लेजी फील करते हो कि यार ठीक है आज नहीं कल कर देते हैं, कौन पूछने वाला है, मैं ही तो हूँ खुद की बॉस। और जब ये ऐसा होता है ना, तो काम टलने लग जाता है, फिर रात को ना आपको ऐसे गिल्ट की वजह से नींद नहीं आती है कि यार शिट मैंने क्या कर दिया, नहीं कल से मैं ठीक से करूंगी, तो वो एक गिल्ट बहुत होता है। तो जब आपके पीछे कोई ऐसे छड़ी लेके खड़ा हो, तो मेरे को लगता है आप काम टाइम से कर सकते हो। खुद का बॉस होना वो एक तरह से ड्रॉबैक ही है। हाय शिवा कुमार उद्यावर, हाय दिग्विजय देसाई, कोई क्वेश्चंस हो आपके पास प्लीज पूछो। कुछ भी, चैनल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, कुछ भी। आज मैं एकदम ऐसे बात करने के मूड में हूँ। हाय एक्सप्लोरिंग महाराष्ट्र इन माय वे, रियली कुछ भी क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ लो।
मैं जवाब दे दूंगी। आई थिंक यू विल बी गेटिंग लेस रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब। रेवेन्यू इस वक्त अगर आप पूछोगे तो मतलब जीरो के जितना ही है, क्योंकि आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मेरे को एक साल भी नहीं हुआ। लोगों को मतलब साल लग जाते हैं, दो तीन चार साल लग जाते हैं, कुछ लोग लग ही होते हैं कि उनका एक महीने में ही हो जाता है। बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रेवेन्यू अगर कमाना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस। आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहना है और लोगों से इंटरेक्ट करते रहना है अपने सब्सक्राइबर से, तब शायद जाकर होगा। फिलहाल तो यस, देयर इज नथिंग कमिंग आउट फ्रॉम इट। आप क्वेश्चन पूछने वाले थे ना? मैं क्वेश्चन नहीं पूछने वाली थी। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछिए मुझसे रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड, मैं उसका जवाब दूंगी। स्पाइस क्लब आई थी आप? हाँ, मैं स्पाइस क्लब आई थी। आपको कैसे, आपने वीडियो देखा मेरा? व्हाई डोंट यू विजिट मैंगलोर एंड कासरगोड? मैं मैंगलोर आना चाहती हूँ। प्लान तो यही है कि इस ईयर के एंड तक मैं मैंगलोर विजिट करूँ, क्योंकि वहाँ का खाना, वहाँ पे मतलब खाना ही इतना अच्छा है वहाँ का, तो मुझे, मैं वहाँ का खाना बहुत मिस कर रही हूँ। तो शायद प्लान कर रही हूँ नवंबर या दिसंबर में, कुछ होगा तो आई लेट यू नो। मैं आई थी, ओके। वेदर यूट्यूब इज नाउ फुल टाइम वर्क? नाउ यूट्यूब इज फुल टाइम, वो फुल टाइम ही है फिलहाल। पर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था तब मैं जॉब भी कर रही थी, और जॉब चल रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं वीकेंड पे यूट्यूब वीडियोज़ बनाती थी और वीकडे में मेरा काम चलता था। बट फिर ये कोविड के वजह से जिस कंपनी में मैं काम करती थी वो कंपनी बंद हो गई, और जो चैनल जो था वो बंद हो गया। तो फिर ऐसा हो गया कि यूट्यूब था मेरे पास उस वक्त, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, शायद यूट्यूब हमेशा से मेरे लिए था तो मुझे उस चीज़ को परस्यू करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब ही कर रही हूँ फुल टाइम, और कुछ वक्त तक तो करूँगी। मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो इस चैनल को। जितना अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो शायद इसे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर से जॉब पे लग जाऊँगी। आई रियली लाइक द वे यू व्लॉग, की फ्रीक्वेंसी ऑफ व्लॉग, वी हैव टू एक्चुअली वेट न्यू लुक, ट्राई टू अपलोड टू टू थ्री व्लॉग अ वीक, बहुत डिफिकल्ट है। बट एक्चुअली अभी इतना सब मैंने शूट कर लिया है ना, और इतना वर्क पाइल अप हो चुका है, और प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद ही शूट करती हूँ, मैं खुद ही एडिट करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम दो व्लॉग्स जो है वीक में, पर वीक डालूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप वेट करते हो मेरे व्लॉग का, आप देखते हो, प्लीज़ इसी तरह से पसंद करते रहो। अच्छा, दिग्विजय देसाई, अच्छा आप वहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छी जगह है वो। बस एक डिश से मुझे बस थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं तो वहाँ का खाना, स्पाइस क्लब का खाना बहुत अच्छा है। वुड लाइक व्लॉग ऑन कोंकण, रहा कोंकण भी बहुत अच्छी जगह तो है, आना चाहूँगी मैं कोंकण। कोंकण एक्चुअली ऑन द वे ही आता है, मतलब हम मैंगलोर जाते हैं तो ऑन द वे देखते हैं अगर कोंकण का कुछ बन पाए तो। बबलिंग कुल्फी मैंने खाई है वहां की, बबलिंग कुल्फी खाई है, आप वीडियो देखो ना, मैंने खाई थी। मैंने कोई क्वेश्चन मिस आउट किया क्या? अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो प्लीज़ वापस टाइप कर दो, मैं सब जवाब दे रही हूँ साथ साथ में। आर यू अ फूड ब्लॉगर और ट्रैवल ब्लॉगर?
मैं दोनों भी हूँ, मैं फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ट्रैवल करते करते फूड ब्लॉगिंग करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं आपको क्या पसंद है देखना चैनल पे, मैं आपको क्या लगता है मुझे फूड ब्लॉगिंग ही करना चाहिए या ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है वो काफ़ी मिक्स्ड हैं, किसी को एक चीज़ पसंद है किसी को एक चीज़ पसंद है, मुझे दोनों चीज़ें पसंद है इसलिए मैं दोनों चीज़ें करती हूँ। Hope to see you. We should be street food this. You know, I'm a foodie as well. Street food मुझे भी करना है, अब करूँगी मैं। I think next week ही मैं जाऊँगी कहीं पे। कहाँ जाऊँ वो सोच रही हूँ, कहाँ का street food करूँ बोलो। मुंबई में कहाँ का street food करूँ? Travel along with food vlog. Yes. मैं आपके पूरे वीडियो देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। थैंक यू दिग्विजय, और शेयर भी करो। मैं आपसे मिली थी क्या वहां पे रेस्टोरेंट में? मुझे याद नहीं। What is your hobby, traveling or watching movies? ये बहुत ही ऐसे एक एक्चुअली दोनों भी मुझे पसंद है, ट्रैवलिंग करना और मूवीज देखना। मतलब अगर मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रही हूँ तो मूवीज देखना पसंद है, तो दोनों चीजें मुझे पसंद है। अच्छा, एक्सप्लोरिंग महाराष्ट्र इन माई वे लिखते हैं, स्ट्रीट फूड ब्लॉग ऑन मुलुंड, मैंने बनाया है मुलुंड स्ट्रीट फूड, प्लीज चेक करो मेरे चैनल पे, मैंने बनाया है। अगर उसमें से भी कोई जगह आपको लगता है मैंने मिस आउट किया है तो मुझे बताओ, मैंने 4-5 जगह किया है मुलुंड में। हाउ डू यू गेट फाइनेंसिंग फॉर योर ट्रैवल एंड अदर्स? फाइनेंसिंग मतलब खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि सिंस आई जस्ट स्टार्टेड तो शुरू में आपको खुद का फाइनेंस देखना पड़ता है, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता, तो फिलहाल तो खुद से ही कर रही हूँ मैं सब कुछ, ट्रैवल जो भी एक्सपेंसेस जो हैं सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। आप मिली थी, मैं आपको चैनल का नाम पूछा था। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप अभी भी वीडियोस देखते हैं, नहीं तो यूजुअली लोग देखते हैं कि हाँ हमारा रेस्टोरेंट आ जाए एक बार देख लेते हैं फिर बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप अभी भी जुड़े हैं इस चैनल से। थैंक यू। व्हाट इज योर कम्फर्ट फूड रूटीन चॉइस? कम्फर्ट फूड बोलो कि दही चावल, मतलब बीइंग अ फूड ब्लॉगर मैं बोल रही हूँ मुझे दही चावल पसंद है तो लोग आई नो सोचेंगे ये क्या है, बट कंफर्ट फूड वही है, जब भी कुछ भी ना मिले तो दही चावल मुझे मिल जाए ना, ठंडी दही हो उसमें अच्छा तड़का वड़का हो और चावल, दैट्स माय कंफर्ट फूड, मतलब नथिंग कैन मेक मी मोर हैप्पी। क्या है क्वेश्चन? डिड ग्रोक्लेमर सब्सक्राइब कर, क्या दीदी ग्रोक्लेमर सब्सक्राइब करने को बोलो प्लीज, ग्रोक्लेमर्स को सब्सक्राइब करो प्लीज। आपको फिश में कौन सा फिश पसंद है? फिश में मुझे
मुझे पॉम्फ्रेट पसंद है, मुझे सुरमई पसंद है, मुझे प्रॉन्स पसंद है, मुझे क्रैब्स पसंद है, मतलब मुझे सी फूड पसंद है, सारा मतलब हर सी फूड मुझे पसंद है। श्री श्रीयश गोनकर गांवकर, श्रीयश गांवकर, यू वेलकम। श्रीश श्रीश कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब कैसे पूछें। व्हाट्स योर फेवरेट ब्लॉगर लाइक इंस्पायर्ड यू? मुझे पता था ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, ये फेवरेट ब्लॉगर लाइक इंस्पायर्ड यू। मैं किसका देखती हूँ? मैं एक्चुअली जब स्ट्रीट फूड का कुछ मुझे ढूंढना होता है ना मुंबई में ज़्यादातर, तो गोलगप्पा गर्ल जो है, मतलब शी इज नॉट इंस्पायर्ड मी एज सच, बट कुछ जगह मुझे अभी फाइंड आउट करना होता है कि मुंबई में कहाँ पे जा सकते हैं, तो मैं उसके वीडियोस बहुत देखती हूँ। और शुगर स्पाइस नाइस एक चैनल है, वो भी ट्रैवल और फूड कंटेंट बनाती है, मैं उसका मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगता है, मैं उसे देखती हूँ। एग फिश चिकन मटन रेट योर चॉइस, वो अच्छा, एग फिश चिकन मटन, मटन, आई एम अ मटन लवर, पर मटन का प्रॉब्लम यह है कि हर जगह पे अच्छा मटन नहीं मिलता, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, तो इसलिए मटन सबसे पहले, चिकन फिश एग, एग सबसे एंड में, जब कुछ भी ना हो तो एग से काम चला लेते हैं। आपका होम टाउन कौन सा है? मतलब मेरे अगर कोई रिश्तेदार देखेंगे तो मुझे बोलेंगे, मुझे ठीक से पता नहीं, बट तलपाड़ी करके एक जगह है वहाँ पे, तलपाड़ी। इफ पॉसिबल वंस ट्राई टू ब्लॉग टू तिरुपति बालाजी टेम्पल, आई वुड लव टू डू दैट, बट मुझे नहीं लगता वहाँ पे ब्लॉगिंग अलाउड होगी। मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी ब्लॉगर को तिरुपति बालाजी टेम्पल का करते हुए, अगर किया है लोगों ने तो आई वुड लव टू डू दैट। मैं मतलब मैं गई हूँ वहाँ पे जब छोटी थी तभी, आई नो वो बहुत ही अच्छा होगा, देखते हैं। क्वेश्चंस फास्ट, ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द ताजमहल पैलेस? ओह माय गॉड, दैट वाज सरियल। मतलब वो जगह पहुंचते हो ना तो आप कुछ दूसरे ही जोन में चले जाओगे, और मैं बस एग्जैजरेट नहीं कर रही, सच में वो जगह, इट इज डेफिनेटली वर्थ द हाइप। वो जो व्यू था सामने, गेटवे ऑफ इंडिया का और समंदर, मतलब यू हैव टू बी देयर टू एक्सपीरियंस इट। मैं बोलकर आपको नहीं बता सकती, जो जो रॉयल ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं वहाँ पे जो स्टाफ है, जो रूम्स हैं वहाँ के, मतलब वो एक मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे लिए तो वैसे ही था, तो वो बहुत मतलब अब तक मेरा बेस्ट था होटल्स के मामले में। शिवा कुमार उद्यावा, तलापाड़ी तो मेरा भी होम टाउन है, ग्रेट, हम लोग गांव वाले हैं फिर। और एक बार पैसा क्लब में जरूर आना मैडम, एक हाँ पक्का पक्का होंगे मैं।
क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या तुम लोगों के? हो गया क्या? आई थॉट मुझे बहुत बोलना पड़ेगा। ओके, आई पर्सनली हैड द सेम एक्सपीरियंस बिकॉज हैव बीन अ ट्राइडेंट एंड द व्यू फ्रॉम देयर वाज ब्रेथटेकिंग। आई नो ट्राइडेंट बेस्ट होटल यू रेकमेंड मुंबई में? ताज। मैं तो ताज ताजमहल टार में थी, तो वो एक्चुअली ताजमहल पैलेस इतना ग्रैंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एकदम मेजमराइज थी उसकी ब्यूटी से। तो बेस्ट तो अगर बोलूंगी तो वो ताजमहल पैलेस ही होगा मुंबई में। जैसे पवई में रहना ऐसा भी बहुत अच्छा है, उसका जो व्यू है लेक व्यू इट इज टू डाई फॉर। पहले प्लीज इस स्ट्रीम को लाइक करो, यहाँ पे मेरे सामने लाइक करो, मुझे बताओ तुम लोगों ने लाइक किया है। यहाँ जो लाइक का जो बटन है उसको क्लिक करो अभी इसी वक्त। Why did you not upload vlog on Taj? Was actually waiting for it. मुझे नहीं पता था वो एक्चुअली। मैंने जो ताज का जो वीडियो था वो मैंने इंस्टाग्राम के लिए शूट किया था। इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा 1 मिनट का वीडियो डाल, वो सोचकर